खरगोन जिले के ग्राम कुम्हारखेड़ा में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब के उत्पादन की लगातार सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने के निर्देश पर लगभग 100 जवानों की टीम गठित कर दबिश दी, जिसमें 300 लीटर कच्ची शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए है। यही नहीं, नदी किनारे 25,000 लीटर लाहन महुआ, जिसकी कीमत लगभग 1,75,000 है, जिसको नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर आबकारी एक्ट की धारा 34/2 के तहत की कार्रवाई की जाएगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुनील कुमार पांडे साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशिकांत कनकने साहब और SDOP महोदय श्री कार साहब, इनको लगातार सूचनाएँ मिल रही थी कि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गांव कुम्हारखेड़ा है, वहाँ भील समाज के लोग निवास करते हैं और अन्य जाति के भी लोग निवास करते हैं। वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वहाँ उस गांव के पास ही नदी निकली है। उस नदी में उनको आसानी से वो सब उपलब्ध हो जाते हैं और ये अपने संसाधनों से हजारों लीटर कच्ची शराब का उत्पादन करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे वरिष्ठ अधिकारी कंपनी साहब और SDP साहब से चर्चा करके बल उपलब्ध करा के हमने मॉर्निंग में सुबह सुबह दबिश दी थी, जहां से हमें 300 लीटर से अधिक कच्ची शराब मिली है। और नदी किनारे जो शराब कच्ची भट्टी हाथ भट्टी की बनाते हैं, वहां के उपकरण वगैरह करीब 25,000 लीटर लहान जो महुआ वो हमने नष्ट किया है और उसके बारदान भी लेके आए हैं। वो उसकी कीमत होती 1,75,000 रुपये जो लहान नष्ट किया, और 20,000 करीब ये 300 लीटर कच्ची अवैध कच्ची शराब की कीमत है। आरोपी कितने तो एक कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और SDP महोदय भी मौके पे थे, एक बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी कितने गिरफ्तार हुए? आरोपी 7 मिले हैं, वो वेरीफाई करके उनसे कार्रवाई की जाए। सर, टीम में कितने लोग थे? टीम में कम से कम 100 लोगों की टीम गई थी, महिला पुलिस बल और पुरुष पुलिस बल। ये हमारे एडिशनल साहब ने और RI साहब ने लाइन से उपलब्ध कराया था, तो हम प्राइवेट वाहनों में गए थे ताकि उन लोगों को पता नहीं चले, और चारों तरफ से घेराबंदी करके दबिश थी और निश्चित थी। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अवैध शराब की। सर, एक ही स्थान में पकड़े हैं या अलग अलग? अलग अलग स्थानों पे, उनके घरों के पीछे जो घूढ़े उड़े रहते हैं उसमें, वहाँ पर कच्ची शराब पकड़ी गई। सर, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) में आबकारी एक्ट में कार्रवाई करके इन्हें कल पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय, जहाँ से निश्चित है कि इनका जेल वारंट बनेगा और जेल दाखिल किया जाएगा।